क्या गिरिडीह में चौकीदार भर्ती परीक्षा में बरती गई है भारी अनियमितता? क्या गिरिडीह में चौकीदार भर्ती परीक्षा होगी रद्द? आखिर क्यों बिना कट ऑफ जारी किए और बिना आंसर की जारी किए आनन फानन में जारी कर दिया गया रिजल्ट? दावा आपत्ति के लिए एक सप्ताह की जगह दिया गया मात्र एक दिन। जिनका परीक्षार्थी की सूची में नाम नहीं वो भी रिजल्ट में हो गए पास। आखिर क्यों दावा आपत्ति के लिए एक सप्ताह की जगह दिया गया मात्र एक दिन। आखिर क्यों जिनका परीक्षार्थी की सूची में नाम नहीं वो भी रिजल्ट में हो गए पास। आखिर क्यों हाई कोर्ट के पुराने आदेश को आधार बनाकर आगे की प्रक्रिया पर लगाई गई रोक। चौकीदार भर्ती परीक्षा की जांच कर इसे रद्द करने के लिए दिया गया आवेदन। देखिए गिरिडीह में चौकीदार भर्ती परीक्षा में क्या हुई है गड़बड़ी। गिरिडीह जिले में चौकीदार भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ही परीक्षा पर सवाल खड़ा होना शुरू हो चुका है। कई अभ्यर्थी गिरिडीह उपायुक्त से मिलकर और परीक्षा को रद्द कर जांच करने का आवेदन दे चुके हैं। परीक्षा पर सवाल इसलिए हो रहा था क्योंकि कई अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया कि आंसर शीट जारी नहीं हुआ, कट ऑफ जारी नहीं हुआ, आनन फानन में रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस संबंध में फिलहाल तो झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर आगे किसी भी तरह के दौड़ वगैरह के लिए चौकीदार भर्ती का जो भी दौड़ होने वाला था उस पर अभी रोक लग गया है। लेकिन क्या हाई कोर्ट के वर्तमान अभी जो भी आदेश है उस आदेश का अनुपालन आगे होगा या फिर आदेश हटने के बाद जो रिजल्ट निकला है उसी रिजल्ट पर आगे काम होगा? जिनका रोल नंबर आया है रिजल्ट में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा या फिर जो आवेदन अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है उस आवेदन पर कोई जांच होगा? क्या है पूरा मामला यह जानते हैं। हमारे साथ हैं झारखंड के जाने माने सूचना अधिकार कार्यकर्ता समाज सेवी राकेश मिश्र। इनके द्वारा जो है गिरिडीह जिला उपायुक्त को आवेदन देकर और यह गिरिडीह जिले में जो चौकीदार भर्ती का परीक्षा हुआ है इस परीक्षा का जांच करने का और अगर जांच में कोई दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई करने का और फिर से परीक्षा लेने के लिए आवेदन दिया गया है। आइए इनसे समझते हैं कि पूरा मामला क्या था। आपका स्वागत है जी। चौकीदार भर्ती के लिए विज्ञप्ति जब निर्गत की गई उस विज्ञप्ति में बीट वाइज आवेदन लेने का प्रावधान था। यदि कोई बीट ग्राम से अलग यानी बीट ग्राम के क्षेत्राधीन ना होकर क्षेत्र से बाहर कोई व्यक्ति आवेदन दे रहे थे तो उनके आवेदन को ऐसे ही अमान्य समझा जाता था। आवेदन लेते समय प्रत्येक अभ्यर्थी से एक एक सौ रुपया का डीडी लिया गया जिसको बनाने में डीडी का तो पहले तो सारे अभ्यर्थियों का पसीना उतर गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो सुदूर देहाती क्षेत्र से आते हैं। बैंक आने जाने में उनको पेट्रोल खर्च हुआ, बहुत लोग पैदल गए, बहुत परेशानी हुई। किसी तरह चलिए आवेदन इन लोगों ने किया। आवेदन लेने के लगभग 7-8 माह बाद संबंधित अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिया गया, उसमें भी अनियमितता बरती गई। एडमिट कार्ड ही बहुत सारे लोगों का अंचल कार्यालय में एडमिट कार्ड देना था सीओ साहब के माध्यम से तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। जब इस संबंध में सवाल खड़ा हुआ तो दिनांक 8-8-2024 को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। जब नहीं मिला तो अभ्यर्थी जिला कार्यालय में दौड़ने लगा और जिला कार्यालय में हो हल्ला मचाने लगा। आखिर नवयुवक है तो दौड़ धूप करेगा ही, नौकरी के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, तो दौड़ धूप करना जिला तक लोग गया। वहां जब इस तरह का हंगामा देखा गया तो ऐसी परिस्थिति में आनन फानन में प्रशासी पदाधिकारी गिरिडीह के कक्ष के बाहर दीवार पर एक नोटिस लगा दिया गया। उसमें न तो ज्ञापांक था, न दिनांक था और न ही किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर था, सिर्फ एक उपायुक्त महोदय का ईमेल आईडी उसमें डाल दिया गया और कहा गया कि अगर किसी को आप दावा करना है, आपत्ति करना है तो आप इस ईमेल पर दावा आपत्ति कर सकते हैं।
अब 3 बजे शाम को 9/8/2024 को लगाया गया और 10/9/2024 उसका अंतिम तिथि था। एक दिन के अंदर जो अभ्यर्थी को पता चला वो जाकर के अपना कर सके, इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र नहीं मिला, वो जिनको जानकारी नहीं वो बेचारे कर नहीं सके। अब सवाल है कि आपका 11 तारीख को पड़ गया था संडे, 12 को लोग सोमवार को किसी तरह से पहुंचे तो वहां 10 तारीख तक था, तो 12 को लिया ही नहीं आवेदन, बेचारे निराश होकर घर चले गए। यहां तो जो अनियमितता बरती गई इसको तो आप देख ही रहे हैं। इसके आगे जब परीक्षा लिया गया तो गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड में लगभग परीक्षा केंद्र खोला गया, संबंधित परीक्षा केंद्रों में निर्धारित किया गया कि इतना रोल नंबर से लेकर इतना रोल नंबर तक लोग इसमें परीक्षा देगा। अब कई परीक्षा भवन में जब विद्यार्थी गए तो जो परीक्षार्थी गए तो उनके द्वारा बहुत सारा बताया गया हमको मौखिक रूप से, जिसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौखिक रूप से हमको कहा गया कि उनको जो आंसर शीट मिला था उत्तर पुस्तिका, उसमें क्रम संख्या ही अंकित नहीं था। अगर क्रम संख्या अंकित नहीं था तो किसी का सीट को कहीं बदल दिया जाएगा, कौन सा बड़ा बात है ना। यह भी संभव है कि बाद में उत्तर पुस्तिका बदल के कहीं हाँ, से घर से बदल के हाँ लाके वहां मिला देगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद कहने का मकसद है कि जो लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुए उनका रिजल्ट आ गया, लेकिन जो परीक्षा में शामिल हुए थे उनका रिजल्ट ही नहीं है, यह भी देखा गया। इस संबंध में हम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने पुत्र चंदन कुमार मिश्र के नाम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करवाए हैं और विभिन्न बिंदुओं पर हम सूचना की मांग किए हैं, लेकिन वह लंबित है, सूचना हमको दिया नहीं गया है। और इतना ही नहीं बल्कि परीक्षा जो ली गई परीक्षा लेने के बाद इस प्रकार रिजल्ट घोषित किया गया। अब रिजल्ट घोषित करने के बाद जो परीक्षार्थी लोग परीक्षा दिए थे उन लोग परेशान हो गए कि भाई मेरा रिजल्ट आखिर कहाँ गया, पास है फेल है कुछ भी है, ठीक है, कोई प्राप्तांक नहीं, कुछ नहीं दिखाया गया। आंसर की जो होता है हाँ, जैसे आंसर किसी क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है हाँ, इसका कोई आंसर की जारी नहीं हुआ। जो परीक्षार्थी थे उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा हाँ, कितना प्राप्तांक कितना है, किस आधार पर यह रिजल्ट जारी हुआ। हाँ, जो भी परीक्षार्थी थे कुल मिलाकर उनको गुमराह करते हुए रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। उसके बाद हुआ क्या कि सब परीक्षार्थी अभ्यर्थी लोग डीसी ऑफिस जाने लगे, संजोग मैं भी डीसी ऑफिस गया था तो वहां कुछ अभ्यर्थियों से मेरी मुलाकात हुई। उस समय मुझे टाटा जाना था किसी कार्य से, तो मैं उन लोगों को बोला कि भाई ठीक है आप लोग आवेदन पत्र प्रस्तुत कीजिए और मैं भी आप सबों का सहयोग करूंगा। उसी के आलोक में आज दिनांक इतना को हम यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम उपायुक्त महोदय गिरिडीह से अनुरोध किए हैं कि संबंधित परीक्षा में अनियमितता हुई है, आप महोदय इसका जांच कर लें, यदि आपको लगता है कि सही में अनियमितता हुई है तो इस परीक्षा को आप रद्द कर दीजिए और पुनः इन लोगों से परीक्षा ली जाए ताकि मेघावी छात्रगण को छांटा ना जा सके और सही लोगों को चयनित किया जाए। परीक्षा में इस तरह का गड़बड़ झाला करना उचित नहीं है। आप एक और प्रश्न किए थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। आपका ये प्रश्न था कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोका गया है, महाशय जो आदेश दिया गया है वह मेरी जानकारी में एवजी चौकीदार के संबंध में दिनांक 11/9/2024 का आदेश है, जबकि यहां पर मेरे ख्याल से आला अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को गुमराह कर बरगलाने के उद्देश्य से उस आदेश को दिखाकर नया आदेश जो जारी किया गया है वो कितना तारीख को किया गया है आप जानते हैं ना, देखिए ना वहाँ तारीख लिखल होगा मेरे आवेदन में 19 को किया गया है, 19/9/2024 को किया गया है। अब आप ही बताइए कि 11 तारीख को अगर आदेश निकल गया था, ठीक है ना, तो फिर कहने का मकसद रिजल्ट 14 तारीख को निकालने का क्या जरूरत था, रिजल्ट नहीं निकलता, सीधी सी बात है। इससे स्पष्ट होता है कि आला अधिकारी के मिली भगत से इस प्रकार का गड़बड़ झाला किया गया है।
इसमें यह भी हो सकता है कि कहीं कहीं दलाल के माध्यम से रिश्वतखोरी भी किया गया होगा, यह तो जांच का विषय है। जिला उपायुक्त महोदय पर मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से वो जांच कर कार्रवाई करेंगे और इस परीक्षा को रद्द करके, हम आशा करते हैं कि इस परीक्षा को रद्द करेंगे और पुनः चौकीदार भर्ती के लिए परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे। यानी कि परीक्षा का रिजल्ट आता है 14/9/2024 को और दौड़ रखा गया था शायद 24 से 26 तक का, जो भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए थे उनका दौड़ रखा गया था 24 से 26 का। तो जिन लोगों को आपत्ति थी, जिन परीक्षार्थियों को आपत्ति थी, वो अपना आवेदन लेके डीसी ऑफिस पहुंचे थे और आवेदन दे रहे थे, और जब बात मीडिया तक पहुंची और मीडिया कर्मी वहां तक पहुंचने लगे तो आनंद फानन में एक पहले का आदेश जो है 11/9/2024 का, ये हाईकोर्ट का आदेश है एफजी चौकीदार के मामले में, उनके आदेश को आधार बनाकर आगे किसी भी प्रक्रिया पर फिलहाल गिरिडीह जिले में जो भी चौकीदार का दौड़ होना था या जो भी प्रक्रिया होना था उस पर रोक लगा दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे प्रक्रिया में, चौकीदार भर्ती का जो प्रक्रिया है गिरिडीह में, उस प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई है, जिसके संबंध में राकेश मिश्र के द्वारा आवेदन दिया गया है। अब देखना यह है कि इस आवेदन पर जांच होता है, किसी प्रकार की कार्रवाई होती है और अनियमितता पाई जाती है, या फिर हाई कोर्ट का जो आदेश है वो उसका डेट जो है समाप्त होने के बाद जो है इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाता है। धन्यवाद।